बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम इस वक्त बहुत बुलंदी पर वाकया एक जो जगह है पीर चनासी, वहाँ पे मौजूद है। मुजफ्फराबाद का ये मकाम है और मेरे पीछे आपको ये दरबार नज़र आएगा, पीर सैयद शाह हुसैन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का। यहाँ पर अकीदतमंद भी आते हैं, लेकिन ये नीलम की बुलंदो बाला चोटियों के बाद जिन्हें देख करके इंसान के फलकबोस चोटियों को देखकर जहाँ इंसान के सर से टोपी गिरती है, उसके बाद ये बुलंदो बाला जगह है जिसे पीर चनासी कहा जाता है। मेरे साथ इस वक्त हमारे एडवोकेट दोस्त मुजाब अरशद मुगल साहब मौजूद हैं। और मुगल साहब, कौन सी जगह है ये? और आप बता रहे थे कि अगर यहाँ से लोग पैदल जाते हैं, नीलम से लीपा पैदल जाया जा सकता था एक घंटे के अंदर। हिंदुस्तान के जाबराना जालमाना तसल्लत और कब्ज़े के सबब ये दूरियाँ पैदा हुई हैं, बहन भाई को नहीं मिल सकते, क्या कहेंगे सर? ये गुजारिश है कि ये नीलम से जो बरासा टिटवाल लीपा वैली जो था वो पहले दौर में जो था ये सफ़र था, जब से इंडियन ऑक्यूपाइड इंडियन ने यहाँ पे उसमें कब्ज़ा नहीं किया था, एक घंटे में टिटवाल से जो लीपा सफ़र लोग करते थे। अब चूँकि इंडियन के गाजमाना कब्ज़े के बाद जो सूरत आल है, लोग वहाँ से नीलम से लोग मुजफ़्फ़राबाद आते हैं 4-5 घंटे की ड्राइविंग के बाद, यहाँ से 6-7 घंटे की ड्राइविंग है मुजफ़्फ़राबाद से लीपा, लीपा से तब जाके लोग जो है पूरे दिन मर्ज हो जाए, कोई बहन भाई दूर, कोई अजीज़ व अकारब दूर। इवन ये एक जगह पर आगे जैसे कि बहुत ज़्यादा जिक्र भी किया जाता है, हमारे जो आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ी हैं उन्होंने बड़ा काम किया। हम बरतानिया की पार्लियामेंट में, लंडन में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में हम इस आवाज़ को उठाते हैं। बाज़ हमारे सहाफ़ी दोस्त ऐसे हैं, उनकी बनाई हुई वीडियोज़ फ़ोटोज़ हम वहाँ पर प्रजेंट करते हैं। तो यानी कि वो जगह ऐसी है कि आप दरिया से पार पत्थर तो मार सकते हैं, अपने भाई के गले नहीं मिल सकते जाके, जो टिटवाल का आप जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ से जो है ये इसकी वजह से जो है जनाब वाला, आप बहुत से लोग जो है वो लीपा वैली देखने जाते हैं, वो नीलम जाते हैं, नीलम से मुजफ़्फ़राबाद, फिर जैना वैली, जैना वैली से वो लीपा वैली जाते हैं। अब ये रास्ता जो होता था, जो बर्फबारी में जो बंद हो गया था, ये पुराना रास्ता था 47 से पहले। लीपा के लोग आसानी से मुजफ़्फ़राबाद बहुत आसानी से 1-1.5 घंटे की मुसाफत पे टिटवाल से जो है वो मुजफ़्फ़राबाद उनको 1-1.5 घंटा पैदल मुसाफत। अच्छा, हमारे पास वक्त बिल्कुल शॉर्ट रह गया, चंद सेकंड्स हैं। आखिर में हम सिर्फ यही कहेंगे कि हिंदुस्तान का कब्जा खत्म होना चाहिए इंशाल्लाह, रियासत जम्मू कश्मीर के ये बुलंदो बाला पहाड़ जो हैं ये इस अमर की गमाजी करते हैं कि हिंदुस्तान का जबराना तसल्लत इन पहाड़ों जैसा बुलंद हौसला रखने वाले कश्मीरियों के सामने कुछ नहीं है। लास्ट वर्डिंग क्या कहेंगे? इंशाल्लाह सर, यही है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कारी साहब भी मौजूद हैं। कारी साहब भी आखिरी पैगाम दें। कारी साहब, मैं तो यही कहूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला इस खत्ते को अमन व सलामती अता फरमाए, और जो जो भी इस पे गासिब है, जिसने इसने भी जालिमाना कब्जा जाबिराना कब्जा किया है, मेरा मालिक इस यानी कि बहुत कदीम 12,000 साल पर मुहिदीन की तारीख है, मेरा मालिक इस धरती को एक दफ़ा आज़ाद कर दे बस। आमीन। अल्लाह ताला जो इनके लोग यहाँ के जो बासी हैं, जिनकी दरीना तमन्ना है कि अल्लाह तबारक व तआला आज़ादी का सूत्र अता फरमाए, मैं यही दुआ करता हूँ इस कश्मीर के लिए, बस मेरा मालिक हमारी दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए। जज़ाकअल्लाह, जज़ाकअल्लाह, जज़ाकअल्लाह।